वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स ऑन इंग्लिश जोन चैनल। एमपीटेट ग्रेड वन इंग्लिश लिटरेचर मेंस एग्जाम से रिलेटेड यूनिट 19 में ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चार्ल्स डिकेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, तो चलिए आज इस नॉवल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर आप दीजिएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे आंसर और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वेयर डिड पिप गेट हिज नेम, पिप को उनका जो नेम होता है वो कहाँ से मिलता है, जो पिप नेम से वो बुलाए जाते हैं इस नॉवेल में या उनका नेम रखा जाता है इस नॉवेल में एज अ कैरेक्टर जो है। इट वॉज द कंट्री वेयर ही वॉज फ्रॉम, या ही इट वॉज हाउ ही प्रोनाउंस्ड हिज नेम लास्ट नेम व्हेन ही वॉज चाइल्ड फ्रॉम हिज सिस्टर एंड केयर गिवर मिसेज जो ग्रेगरी, या है आपका हु थॉट ही वॉज एन इरिटेटिंग पिप स्क्विक, या है फ्रॉम जियो ग्रेगरी। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन, कि पिप को उनका नेम कहाँ से मिलता है, कि वो बचपन में अपने नेम को प्रोनाउंस भी लास्ट नेम को करते थे पिप नेम से, फिलिप पिरिप उनका नेम था तो उसको पिप नेम से बुलाते थे, फिलिप पिरिप करते थे, तो दैट्स व्हाई पिप वाज हिज निकनेम। एज यू कैन से दिस, कि इसका पूरा नाम जो है इस नॉवेल में पिप निकनेम से जाने जाते हैं ये, और इनको इनका नाम इन्होंने खुद बचपन में अपने आप को इसी तरीके से बुलाया है, इसी नेम से बुलाया है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, हु इज द नैरेटर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवेल का नैरेटर कौन है, किसने इसकी स्टोरी लाइन को बताया है या कौन नैरेट करता है स्टोरी को, तो वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पिप हिमसेल्फ। ओके, पिप जो है फिलिप पिरिप अपनी स्टोरी को खुद बताता है, दैट्स व्हाई इट यू कैन कॉल इट एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द पिप इन द नॉवेल, अभी हमने आपसे डिस्कस करा कि पिप का जो रियल नेम वो क्या है, फिलिप पिरिप है या पिपेरी पॉल है या पिप पॉल या पिप फिलिप, तो ऑप्शन ए इज द आंसर, फिलिप पिरिप इज द रियल नेम ऑफ पिप इन दिस नॉवेल। नंबर फोर, व्हाट इज मिस्टर ट्रैप्स प्रोफेशन इन द नॉवेल, मिस्टर ट्रैप का प्रोफेशन क्या है इस नॉवेल में, वो आंसर करना है, तो ऑप्शन है ए, ही वॉज टेलर। ओके, टेलर थे, दर्जी थे जो सिलाई किया करते थे। फाइव है, मिसेस जो कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, मिसेस जो जो फिलिप पिरिप की सिस्टर होती हैं, जिसके साथ फिलिप पिरिप रहता है या पिप रहता है, तो जो का मिसेस जो का अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो आप कैसे उनको डिस्क्राइब करोगे इस पूरे नॉवेल को पढ़ने के बाद में, नैगिंग एंड टेम्परामेंटल या स्ट्रेंज बट हार्ड वर्कर, या है क्वाइट एंड शाय एंड काइंड एंड जेनरस, तो ऑप्शन ए इज द आंसर, शी वॉज नैगिंग एंड टेम्परामेंटल। नैगिंग एंड टेम्परामेंटल का मतलब क्या होता है, कि बहुत ही कंप्लेनिंग नेचर की वो लेडी थी, हमेशा हर बात पे कंप्लेन करना, किसी को किसी चीज के लिए परेशान करना और उससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ नैगिंग। और टेम्परामेंटल थी कि मतलब कभी किसी बात पे खुश हो जाती थी, कभी किसी बात पे बहुत ज्यादा नाराज होती थी, आप उनके टेम्परामेंट या उनके बिहेवियर को आप जज नहीं कर सकते हो, या आप इसे नहीं कह सकते कि वो बहुत ही काइंड या बहुत अच्छी लेडी थी, बस सिचुएशन पढ़ने पे वो गुस्सा होती थी, ऐसी सिचुएशन अगर होती थी, बट शी वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ लेडी, वो क्या थी, नैगिंग एंड टेम्परामेंटल लेडी थी। नंबर सिक्स, पिप्स रिलेशनशिप विद जो फॉर मच ऑफ द बुक कैन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो के साथ में, मिस्टर जो के साथ में अगर आप बात करते हो उनके साथ में पिप का रिलेशनशिप, तो वो क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अ फ्रेंडशिप यहाँ पे है, अ फ्रेंडशिप बट सम ऑफ द टाइम अनइक्वल एज पिप फील्स एम्बैरेस्ड बाय जो, जो कभी कभी उसको एम्बैरेस करता था, बट उन दोनों की जो रिलेशनशिप था, एक फ्रेंड का रिलेशनशिप था, दोस्ती थी दोनों में, जो ग्रेगरी पिप को मानता था, उसको एक तरीके से उसकी केयर करता था, बट वो कभी कभी उसको एम्बैरेस भी फील कराता था। नंबर सेवन, वी हैव द कन्विक्ट हु पिप फीड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल रीअपीयर्स लेटर विथ अ नेम, दैट नेम इज, आपको बताना है कि जो जिस कन्विक्ट को या जिस जो दोषी था इस नॉवेल में, एक है कैरेक्टर है जो स्टार्टिंग में अपीयर होता है सामने, कि वो एक कन्विक्ट होता है और उसको पिप फीड कराता है, मतलब वो जेल से भागा हुआ कैदी होता है, उसको पिप फीड कराता है, उसको खाना देता है, तो वो नॉवेल में जब दोबारा अपीयर होता है तो किस नेम से अपीयर होता है, इसका आंसर आपको देना है, तो आंसर है मैगविच। ओके, ऑप्शन ए,
इज द करेक्ट आंसर. मैगवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा. मैगवेज और दो तीन कैरेक्टर की अभी हम आगे बात करेंगे, स्टेला है, पिप है और मिशाविशम है. तो ये सभी कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा कि ये कहाँ किस नॉवेल से हैं. दे आर फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस. नंबर 8 वी हैव फ्रॉम फॉर पिप, डिनर विथ मिसेस जो वॉज ऑलवेज. मिसेस जो ग्रेगरी की यहाँ पे बात हो रही है कि पिप का जो डिनर होता था, क्योंकि वो उसकी सिस्टर थी, उसके साथ में रहती थी और पिप उसके साथ में रहता था, तो उनके साथ में जब वो डिनर करता था तो व्हाट वाज डेली का ये रूटीन था कि उसका डिनर, वो क्या एक्सपेक्ट करता था कि जब मैं डिनर के लिए जाऊंगा तो क्या करता था. एक तरीके का यमी था या डिलाइटफुल था, एग्नॉइजिंग था या फ्रेंडली. तो क्या था वो? वो था एग्नॉइजिंग, मतलब बहुत ही उसको बहुत परेशान होता था उस वो इस चीज को करके, जो बहुत दुख पहुंचाता था, या जब वो डिनर करता था उनके साथ में तो वो बहुत दुखी होता था क्योंकि उसको ऐसी ऐसी बातें वहां पे सुनने को मिलती थी और बहुत ही एक नेग्लेक्टेड सा फील वो करता था. एंड दैट्स व्हाई फॉर पिप डिनर विद मिसेस जो वाज ऑलवेज एग्नॉइजिंग. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. नंबर 9 क्वेश्चन को देखते हैं. पिप इज हेल्प विद हिज एडुकेशन एट अ यंग एज बाय, किसके द्वारा पिप का एडुकेशन होता है यंग एज में? मिसेस जो या जो मिस्टर जो जो है, या पंबल चो, या है बिडी. तो ऑप्शन डी इज द आंसर, बिडी. ओके, ऑप्शन डी बिडी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिप इज फर्स्ट ब्लेस्ड विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस व्हेन मिस हैविशम रिक्वेस्ट दैट ही कम्स एंड प्लेस एट हर मैंशन. या है आपका ही रिसीव्स नोटिफिकेशन फ्रॉम मिस्टर जैगर दैट ही इज टू गो टू लंडन, या मिस हैविशम गिव्स पिप हर इनहेरिटेंस जो गिव्स हिम अ जॉब इन द फोर्स. तो आपको बताना है कि इसमें चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, कि जो पिप होता है वो पहले अपनी जो एक्सपेक्टेशन, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं उसको लाइफ से लेकर के, अपनी लाइफ से लेकर के, और क्या उसको मिलने वाला है, जो एक आशा लगा के वो बैठा हुआ है, जो फर्स्ट वो ब्लेस्ड होता है अगर मिलता है तो वो कौन सी ऐसी चीज होती है जो उसको मिलता है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, he reaps notification from Mr. Jagger that he has to यहाँ पे है is to go to London, मतलब उसको लंदन जाना है, किस लिए? पढ़ाई करने के लिए जाना है. जब उसको इस बात का पता चलता है तो ये उसके लिए ग्रेट एक्सपेक्टेशन होता है, और उस ग्रेट एक्सपेक्टेशन वो पहली बार ब्लेश होता है when he listen that he has to go to London. Number 11 we have, throughout the novel the Marses for Pip have requested his lowly background, या है love for Stella, great expectations, या है love for Biddy. तो option A है his lowly background. Option 11 का जो question है वो option A हमारा जो है वो correct होगा. Number 12, Pip becomes roommate with Herbert in London. Pip had met Herbert once before in. आपको बताना है कि जो यहाँ पे जब वो लंदन जाता है फिलिप पिरिप, तो उसका जो रूममेट होता है वो हर्बर्ट होता है लंदन में. तो आप, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हर्बर्ट इस नॉवेल का. लेकिन जब पिप इससे एक बारी पहले कहाँ मिल चुका होता है, इन टाउन पब या मिस हैविशम गार्डन वेयर दे फॉट, या अ कोच ऑन द वे टू लंदन, द मार्शेस विद दी कन्विक्ट. तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, मिस हैविशम्स गार्डन वेयर दे फॉट, जहाँ पे उन दोनों की लड़ाई हुई थी मिस हैविशम के गार्डन में, वहां पे उससे हर्बर्ट से उसकी पहली बार मुलाकात हो चुकी थी. अब ये दोबारा एज अ रूममेट हर्बर्ट फिलिप पिरिप को मिलता है लंदन में, तो ये हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम मार्शेस की जो बात करते हैं, यहाँ ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा और यहाँ भी आपको इस क्वेश्चन में आंसर में दिख रहा है इसमें ऑप्शन में, तो मार्शेस जो जगह है जो यहाँ पे, जैसे इसमें थ्रू आउट द नॉवेल द मार्शेस फॉर पिप हैव रिप्रेजेंटेड हिज लोली बैकग्राउंड, मीन्स जो मार्शेस का जो वहाँ पे प्लेस था जहाँ पे वो रहता था अपने चाइल्डहुड में, बचपने में, वो चर्चयार्ड था जो कि मार्शेस था, कैंट में वो चर्चयार्ड था, और वो उसके लोली बैकग्राउंड का उनकी मतलब कि वो बहुत निम्न वर्ग से आया हुआ है, उसका बैकग्राउंड जो है वो निम्न है, कोटि का है, तो वो उसको उसकी रिप्रेजेंट करता है, उसको याद दिलाता है. नंबर 13 की तरफ चलते हैं. द फाइनल वर्ड्स ऑफ मिस जो ग्रेगरी अपेरेंटली इंडिकेटेड दैट, यहाँ पे बताना है कि जो फाइनल वर्ड्स हैं मिस जो ग्रेगरी के, वो क्या इंडिकेट करता है. सी वॉज एपोलॉइजिंग फॉर हर बिहेवियर टूवर्ड्स पिप एंड जो,
या है दैट ऑर्लिक हैड क्रिपल्ड हर या सी हैड अ लार्ज इनहेरिटेंस हरसेल्फ दैट सी वॉज पिप्स रियल मदर. तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि सी वॉज अपोलाइजिंग फॉर हर बिहेवियर टूवर्ड्स पिप एंड जो. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 14. आंसर करिए इस क्वेश्चन का आंसर. द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस दैट पिप एक्सपेक्टेड फॉर हिज 21st बर्थडे वॉज. जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में होता है इस नॉवल में होता है, पिप ने जो एक्सपेक्ट किया था अपने 21st बर्थडे में वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन क्या थी. हिज बेनिफैक्टर वुड मेक हर या हिमसेल्फ नोन टू पिप. जो बेनिफैक्टर है उसका, जो उसको अभी तक लाभ पहुंचाते आया है इस नॉवल में, पूरे नॉवल में, उसके लंदन जाने को हो या उसकी पूरी लाइफस्टाइल से लेकर के हो, उसको एक अच्छा इंसान बनाने, क्योंकि स्टेला जो इस नॉवल की हीरोइन होती है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं पिप को. तो जो एक चेंजेस है उसकी लाइफ में, उसका जो बेनिफैक्टर है किसकी वजह से ये चेंज आया हुआ है, तो वो अपने आप को बताएगा, अपने आप को डिस्क्लोज करेगा, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा पिप के सामने. या है ही वुड फाइनली गेट अ जॉब या स्टेला वुड एग्री टू मैरी हिम. अब स्टेला उससे शादी करने को राजी हो जाएगी या मिस हैविशम वुड गिव हिम मोर मनी. तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि वो एक्सपेक्ट क्या करता है कि नाउ हिज बेनिफैक्टर वुड मेक हर और हिमसेल्फ नोन टू पिप. अपने आप को जाहिर करेगा, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेगा जिसने अभी तक पिप की लाइफ को सेटल किया है और पिप को एक काबिल इंसान बनाया है, एक सिविलाइज्ड या आपका लो वेल मैनर्ड लड़का बनाया है. तो वो बेनिफैक्टर अपना नाम डिस्क्लोज करेगा और उसके सामने आएगा. ये एक्सपेक्टेशन होती है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन होती है फिलिप पेरिप की अपने 21st बर्थडे पे. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट सेंचुरी आर द इवेंट्स ऑफ द नॉवेल सेट इन. आपको बताना है कि इस नॉवेल की जो सेटिंग है किस सेंचुरी पे बेस्ड ऑन है. 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या आपका है 17th सेंचुरी. इस नॉवेल की सेटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम करेंगे ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, दैट इज 19th सेंचुरी. ओके, 19th सेंचुरी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है, हाउ ओल्ड इज पिप व्हेन मैगविच रिटर्न टू लाइफ. मैगविच जो होता है उसकी लाइफ में जब आता है तो कितने साल का वो हुआ रहता है, यहाँ पे आपको आंसर देना है. हाउ ओल्ड इज पिप व्हेन मैगविच रिटर्न टू हिज लाइफ. 25, 23 या है 24 या 26. वो क्या है, 23 ईयर्स का अब हो चुका है जब मैगविच उसका रियल बेनिफैक्टर जो होता है उसकी लाइफ में जब वापिस आता है, या आप कह लो कि उससे जब दोबारा मिलता है, अगेन उससे आता है. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वेयर डज पिप मीट मैथ्यू पॉकेट. मैथ्यू पॉकेट से पिप की जो मुलाकात है वो कहाँ पे होती है इस नॉवेल में, ऑक्सफोर्ड, विंचेस्टर या हैमरस्मिथ या लंदन. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, हैमरस्मिथ. ओके, हैमरस्मिथ जगह में इनकी मुलाकात मैथ्यू पॉकेट से होती है. अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वेयर हैड पिप मेट हर्बर्ट बिफोर दे बिकेम रूममेट्स इन लंदन. तो हमने बात कर ली है इसके बारे में, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है और एक बार ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा है. तो वो क्या है, मिस हैविशम के गार्डन पे ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वहीं पे इनकी पहली बार लड़ाई हुई रहती है, एक दूसरे से लड़ते हैं ये, और मिस हैविशम का गार्डन वो जगह थी जहाँ पे ये मिले होते हैं. अगला क्वेश्चन है, पिप प्राइज इन सोशल स्टेटस इज टेकन क्रेडिट बाय. पिप का जो सोशल स्टेटस है उसमें जो राइज हुआ है या जो एक सुधार हुआ है, बात कर लें उसका सोशल जो उसका स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, वो अब बढ़ चुका है, उसका कद सोसाइटी में बड़ा हो चुका है, क्योंकि वो लंदन पढ़ने गया था, वेल मैनर्ड हो चुका है, पैसे भी उसके पास हैं. तो ये क्रेडिट किसको जाता है या कौन लेता है, इस टेकन बाय उसका क्रेडिट किस कौन अपने आप खुद लेता है, वो लेता है कौन, पेम्बरचोक. ओके, ऑप्शन यहाँ पे हम सी को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20, हु हेल्प्स पिप इन हिज एडुकेशन फ्रॉम द यंग एज. यंग एज में से पिप के एडुकेशन में कौन उसकी हेल्प करता है, दैट इज ऑप्शन ए, बीडी. इस क्वेश्चन को भी हमने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में ही. 21st क्वेश्चन है, व्हाट कैन मिसेज जोज बिहेवियर बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. अभी हमने बात की दैट वॉज नैगिंग एंड टेम्परामेंटल था, बट यहाँ पे हम नैगिंग सिर्फ एज क्वेश्चन में है, तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे. सी वॉज वेरी कंप्लेनिंग. हुज फादर वॉज मैगविच. मिस्टर मैगविच किसके फादर थे, आपको इसका आंसर देना है यहाँ पे. एंड स्टेला, जो, पिप या बिडी. तो ऑप्शन यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे,
Magwitch was the father of Stella, okay? Who is the heroine? जिसको पिप प्यार करता था, फिलिप प्रिप से जिसका लव था, जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो थी स्टेला, और स्टेला का फादर कौन था? मिस्टर मैगविच, और मिस्टर मैगविच कौन था? वो रियल बेनिफैक्टर था किसका? फिलिप प्रिप का। अगला क्वेश्चन है 23, व्हाट डज मिस हैविशम वियर एवरी डे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मिस हैविशम जो होती हैं वो डेली क्या पहनती हैं? अ रूबी ब्रेसलेट, या है गोल्ड ब्रोकेट, या है जेड ब्रोच, या है आपका ब्रोच, या है आपका हर वेडिंग गाउन? तो ऑप्शन डी इज द आंसर। यहाँ पे हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी इज द आंसर। हर वेडिंग गाउन, अपने वेडिंग गाउन को पहनती हैं और ये सोच के पहनती हैं कि अब कोई उस जिसने उसको धोखा दिया है वो दोबारा से आएगा और उससे शादी करेगा। तो एक तरीके का ये सनक होती है, या एक तरीके का आप कह लो कि बहुत डिसअपॉइंटेड होती हैं और उसी चीज को वो रिपीट करती रहती हैं। तो व्हाट सी वियर एवरी डे? सी वियर हर वेडिंग गाउन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु इज मिस हैविशम्स अडॉप्टेड डॉटर? अडॉप्टेड डॉटर कौन होती है मिस हैविशम की? वो होती है कौन? स्टेला होती है। ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। स्टेला, जिसको वो अडॉप्टेड उसकी डॉटर होती है और स्टेला के थ्रू वो टारगेट करती हैं उसको, उस तरीके का बनाती हैं कि वो जितने मेंस हैं उनको टारगेट कर सके और उनको वो धोखा दें, ना कि मेंस उनको धोखा दें, इस काबिल उसको बनाती है या ऐसा उसका नेचर कर देती है। तो यहाँ पे मतलब अपना जो बदला होता है, एक रिवेंज जो होता है, वो स्टेला के थ्रू वो बाकी जितने सारे मेंस होते हैं, रेस्ट ऑफ द मेंस, उनसे वो लेती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25, वी हैव What apprentice does Miss Havisham pay for? यहाँ पे क्वेश्चन है, What apprentice does Miss Havisham pay for? Fishing, equine, blacksmithing या merchant? तो यहाँ पे है ऑप्शन सी, blacksmith. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, Who is Pip's benefactor? Pip का benefactor कौन है? आपको इसका आंसर देना है। Who is Pip's benefactor? Magwitch, Mr. Jagger, या है Stella, या है Miss Havisham? तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। मैगविच, स्टेलाज फादर वाज पिप्स बेनिफैक्टर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27, हाउ डज बेंटले ड्रमल डाई? बेंटले ड्रमल किस तरीके से इनकी मृत्यु होती है आपको बताना है। ही इज थ्रोन फ्रॉम अ हॉर्स, ही ड्राउन्स, ही डाइज इन ड्यूएल, या ही डाइज फ्रॉम निमोनिया? तो यहाँ पे आपका है ही इज थ्रोन फ्रॉम अ हॉर्स, ऑप्शन ए इज दी। तो ये है ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर, ही इज थ्रोन फ्रॉम हॉर्स। और बेंटले कौन होते हैं? ड्रमल, बेंटले ड्रमल की अगर बात करते हैं तो ये क्या है कि ये होते हैं एस्टेला से ये प्रेम करते रहते हैं, एस्टेला से ये इनका अफेक्शन होता है और उससे शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 28, वी हैव व्हाट आइटम डिड पिप स्टील फ्रॉम मैगविच? मैगविच से किस कौन सी ऐसी चीज होती है जो वो चुराता है, उससे लेता है? दैट इज अ जेवलिन, अ हैमर, अ फाइल, या हॉर्स? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अ फाइल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नंबर 29, हु जिल्टेड मिस हैविशम? हैविशम को, मिस हैविशम जो होती हैं, जो कभी बुढ़ी इवन हो चुकी हैं, शी इज एन ओल्ड लेडी, बट कभी भी उनकी शादी नहीं हुई रहती क्योंकि उनको प्यार में जो धोखा मिलता है वो किससे मिलता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। जिल्टेड का मतलब होता है डिसीव इन लव, या है बिट्रेड इन लव। आप अगर अच्छे से इसको समझना चाहो कि प्यार में धोखा, बिट्रेड इन लव, तो वो कौन होता है? मिस्टर ड्रमल होते हैं, मैगविच, कैंपिसॉन, या है मिस्टर जैगर? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिस कैंपिसन। कैंपिसन वाज द मैन हु जिल्टेड मिस हैविशम। नेक्स्ट नंबर 30 क्वेश्चन, व्हाट इज बियर्ड अबाउट क्लॉक एट मिस हैविशम्स? मिस हैविशम के घर में क्लॉक जो टाइम होता है वो क्या, मतलब उसमें क्या वियर्ड होता है? दे आर स्टॉप्ड एट 8:40, दे आर ऑल कुकू क्लॉक, या है दे ऑल आर फास्ट, या दे आर ऑल ग्रैंडफादर्स क्लॉक? कौन सी ऐसी वियर्ड चीज होती है, एक तरीके से बात कर लो कि जो वियर्ड मतलब होता है अजीब सी, कौन सी ऐसी चीज होती है क्लॉक के बारे में, मिस हैविशम के घर की क्लॉक्स के बारे में? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ कि क्यों ये रीजन होता है कि
ये क्या है, द वियर्ड थिंग अबाउट द वियर्ड, व्हाट इज वियर्ड अबाउट द क्लॉक्स एट मिस हैविशम्स मेंशन, दैट इज दे आर स्टॉप्ड एट 8:40, मींस देयर इज 20 मिनट्स टू गो टू 9. 9 बजने में 20 मिनट बाकी होता है, तभी उसके घर की हर क्लॉक जो होती है वो उसी पे बंद हुई रहती है, मींस 8:40 पे ही उनके घर के जितने क्लॉक्स होते हैं सबको बंद किया होता है. दे ऑल आर स्टॉप्ड बाय मिस हैविशम, क्योंकि ये वो टाइम था जब इनको पता चलता है कि कैंपेशन जो इनका लवर हुआ करता, मतलब लवर था जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो उसने इसको धोखा दे दिया था, अब वो नहीं आ रहा है, वो शादी नहीं कर रहा है इसको. तो ये जब उसको पता चलता है तो, और उसी टाइम पे वो कभी भी ना चेंज हो इस तरीके से, वो टाइम कभी भी वो ना जाए, और उसको एक तरीके से सिम्बोलाइज करने के लिए फ्रीज कर देती है. अटेम्प्ट टू फ्रीज इज द रिफ्यूजल ऑफ टू चेंज. ओके, तो ये रीजन होता है कि मिस हैविशम के जो घर की जितनी घड़ियां होती हैं, क्लॉक्स होते हैं जो दीवार पे लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो 8:40 पे स्टॉप्ड होते हैं, क्योंकि इसी टाइम जब वो दुल्हन बनी होती हैं और उसी टाइम उनको पता चलता है कि कैंपेशन जिनसे इनकी शादी होने वाली है उसने उसको धोखा दे दिया है और अब वो नहीं आ रहा है. अगला क्वेश्चन 31 वी हैव, हु मैरिज स्टेला, मिस्टर जैगर, हेनरी पॉकेट, पिप या बेंटले ड्रमल. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो परस्यू करता रहता है इससे, इसका अफेक्शन होता है, एस्टेला से इसकी शादी हुई हो जाती है बेंटले ड्रमल से, क्योंकि एक रिच होता है और एस्टेला भी इससे प्यार करती हैं, और यहाँ पे पिप से अभी इनकी शादी नहीं हुई रहती है, पहले एस्टेला की जो मैरिज होती है वो बेंटले ड्रमल से होती है. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 32, हु इज एस्टेलास फादर, जो ग्रेगरी या हर्बर्ट पॉकेट, मिस्टर वार्मिक, वैमरिक या है मैगविच. तो ऑप्शन डी इज द आंसर, मिस एस्टेला का जो फादर है दैट इज मिस्टर मैगविच. नेक्स्ट नंबर 33, वेयर डू पिप एंड मैगविच फर्स्ट मीट जो होता है, मतलब मीटिंग जो होती है, या पहली बार जो पिप और मैगविच की मुलाकात होती है वो कहाँ पे होती है, एट मैगविच होम इन फ्रांस, इन मार्श इन केंट या इन लंडन. तो ऑप्शन सी होगा, इन अ मार्श इन केंट, केंट जहाँ पे पिप रहा करता था वहाँ के दलदल में, मार्श में उसकी मुलाकात होती है मैगविच से, जहाँ पे वो उसको फीड कराता है, उसको भूखा वो रहता है मैगविच और उसको वो फूड देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 34, हु रेस्क्यूज पिप फ्रॉम ऑर्लिक, ऑर्लिक जो उसको को मतलब अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको कोशिश करता है पिप को मारने की, तो उसको उसको पिप को कौन रेस्क्यू करता है ऑर्लिक से, ये है ऑप्शन सी हर्बर्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हर्बर्ट रेस्क्यू करता है, उसको बचाता है ऑर्लिक से. नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इट इज अपेरेंट मिडवे थ्रू द नॉवेल दैट मिस हैविशम रेज्ड एस्टेला टू, ये स्टार्टिंग में जो मिडवे में पता चलता है नॉवेल की इसकी की स्टोरी कि मिस हैविशम ने जो उनके अडॉप्टेड डॉटर एस्टेला होती है उसको क्यों बड़ा किया है, उसको रेज क्यों किया है, मतलब उसको पाला क्यों है, इसका रीजन जानना है, ये क्वेश्चन है. बिकेम अ हाउस मेडन या ब्रेक द हार्ट ऑफ मैन या प्री हर हाउस ऑफ इट्स ड्रीडफुल कर्स या हाइड द सीक्रेट हिडन बीनेथ द फ्लोर. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्रेक द हार्ट ऑफ मैन, क्योंकि क्या होता है एस्टेला को वो इसलिए बड़ा करती है और उसको इस काबिल बनाती, काबिल इन सेंस की उसको ऐसा बनाती है कि आप इतनी सुंदर बनाती है कि इसके प्यार में लोग पड़े, और ये क्योंकि सभी मैन जो होते हैं वो एक तरीके के होते हैं और मेंस जो होते हैं उनको हमेशा आप नेगलेक्ट करो, ये ऐसा सिखाया था मिस हैविशम ने एस्टेला को. तो क्या होता है जब मिडवे में ये पता चलता है नॉवेल में, ये अपेरेंट हो जाता है, मतलब ये साफ हो जाता है कि मिस हैविशम ने एस्टेला को ब्रेक द हार्ट ऑफ मैन के लिए रेज किया है कि उनको आप नेगलेक्ट करो. नेक्स्ट नंबर 36, व्हाइल लिविंग इन लंडन पिप admits to himself that any time he spends with Dash is constantly miserable. कि जब लंदन में रह रहा होता है फिलिप पिप तो उसको क्या एडमिट करता है वो खुद से कि एनी टाइम जो भी समय उसने व्यतीत किया है किसके साथ में, वही आपको आंसर देना है, वो बहुत ही miserable थे. ऑप्शन ए स्टेला, मॉली, मिस जो ग्रेगरी या मिस्टर जैगर. तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टेला के साथ में जो भी उसने टाइम व्यतीत किया है हमेशा उसको
बुरा भला ही सुनने को मिला है या उसको कभी भी एक अफेक्शन नहीं मिला है स्टेला से, हमेशा वो लो फील कराया जाता था, नेग्लेक्टेड फील कराया जाता था, जिल्टेड फील कराया जाता था। तो ये आंसर होगा 36 का ऑप्शन है। नंबर 38, व्हाट इज मोस्ट लॉजिकल रीजन फ्रॉम मिसेस जो कॉन्स्टेंटली इंसल्टिंग पिप एंड जो ड्यूरिंग द अर्ली चैप्टर्स ऑफ बुक। जो मिसेज जो होती हैं वो कॉन्स्टेंटली इंसल्ट करती हैं पिप को, इसका मोस्ट लॉजिकल रीजन क्या है आपके मतलब इस अकॉर्डिंग, इस नॉवल के अकॉर्डिंग? और जो मिस्टर जो थे वो स्टार्टिंग में इसको इतना नेग्लेक्ट करते थे, इसको इंसल्ट करते थे, तो उसका रीजन क्या था? सी इज इनसिक्योर एंड एंग्री दैट सी हैज बीन लेफ्ट टू केयर फॉर पिप। सी सीक्रेटली इन लव विद मिस्टर जैगर एंड डज नॉट वॉन्ट पिप टू फाइंड आउट। या है she desires nothing more than to see Pip's brother again. She is mentally insane and believes all people to be her subject. तो ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। She is insecure and angry that she has been left to take care of for Pip. To care for Pip. मतलब क्या उसको लगता है कि मुझे वो इनसिक्योर और एंग्री फील करती है, बहुत क्रोधित होती है, इनसिक्योर भी एक असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्या पिप की देखभाल करने के लिए ही हूँ, ऐसा मिसेज जो सोचती हैं। और यही वो रीजन होता है कि वो उसको बार बार इंसल्ट कराती हैं। और इसी वजह से जब वो डिनर पे डिनर एवरी इवनिंग नाइट में वो डिनर करता है मिसेज जो के साथ में, तो वो या एग्नोइजिंग फील करता है, बहुत ही पीड़ादायक फील करता है जब वो ये सब बातों को सुनता था अपने बारे में। 38, व्हाट वो वॉज द ग्रेट एक्सपेक्टेशन दैट पिप एक्सपेक्टेड फॉर हिज 21st बर्थडे। तो यही क्या था कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। 39 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 39 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निकनेम दैट पिप गिव्स टू हर्बर्ट। ये नहीं होगा, दैट पिप वॉज गिवन बाय हर्बर्ट। ओके, जब वो हर्बर्ट उसके साथ में रहता है, पिप के साथ में उसका रूममेट, तो पिप को हर्बर्ट ने कौन सा नेम दिया रहता है, ये बात आपको देखनी है, ये आंसर आपको बताना है कि मतलब को किस निकनेम से पिप को बुलाता है हर्बर्ट वहां पे, स्ट्रेट या हैंडल या है टिकलर या कैमलॉट। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हैंडल, क्योंकि वो किसका, वो ब्लैक स्मिथ का है, उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी, उसका जो पालन पोषण हुआ था वो एज अ ब्लैक स्मिथ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन एक लोहार के उसमें हुआ था, लोहार के घर में उसका जन्म हुआ था और वहां पे उसकी अपब्रिंगिंग हुई थी। तो यहाँ पे इसी वजह से उसको जो एक आयरनिकली इसको बुलाता था, एक उसको हंसी में उसको बुलाता था, निकनेम दिया था, दैट वाज हैंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बेंटले ड्रमर। बेंटले ड्रमर के बारे में आप यहाँ पे देखते हो तो क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है इन चारों ऑप्शन में से? सैवेज एंड क्रूएल, वीक एंड ईजली फ्राइटेंड, फ्रोलिकसम या है फन लविंग एंड ट्रूथफुल एंड केयरिंग। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, सैवेज एंड क्रूएल। बेंटले ड्रमर वॉज सैवेज एंड क्रूएल। 41, विच कैरेक्टर अल्टर ईगो इज नेम्ड जॉर्जियाना एमेरिया। तो यहाँ पे स्टेला या जो मिसेस जो है या बिडी है, मैशाविशेम है, तो ऑप्शन बी मिसेस जो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42, पिप्स लव फॉर बिडी इज शैडोड बाय हर बाय हिज लव फॉर। जो पिप का लव होता है बिडी के लिए वो किसके लव पे ओवरशैडो कर जाता है, मॉली या रॉबर्टा या डेना या स्टेला? तो वो क्या है? स्टेला, हिज लव फॉर स्टेला। ठीक है, पिप का जो विडी के लिए जो प्यार होता है वो शैडो हो जाता है स्टेला के प्यार के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ स्टेला। फिर से हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है ऑलवेज, तो एबल मैगवेश, ये फुल नेम है मैगवेश का, मिस्टर मैगवेश का, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 44, हु इज इवेंचुअली मैरिज बिडी। बिडी से किसकी शादी होती है पिप की? जो ग्रेगरी या मिस्टर जैगर या हर्बर्ट, तो ऑप्शन बी है जियो ग्रेगरी। जियो ग्रेगरी से बिडी की शादी होती है। तो यहाँ पे हम ये जो ग्रेगरी से इसकी शादी हो जाती है, जो कि लाइक फादर फिगर है पिप के लिए। और जब मिसेस जो की डेथ हो जाती है, उसके बाद में बिडी और जियो ग्रेगरी की शादी हो जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज मोस्ट एम्बैरेस्ड बाय जो
थ्रू आउट द नॉवल. मिस्टर जो के थ्रू जो जो है जो जैगरी जो है उनके थ्रू कौन सा कैरेक्टर ऐसा है इस नॉवल में जो एम्बेरस्ड होता है बार बार, वो है फिलिप पिप, जो कि जिसका पालन पोषण या जिसके साथ जिसको की देखभाल की होती है जो ने, वो पिप है. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46, हुम डस पिप इनिशियली बिलीव टू बी हिज बेनिफैक्टर. इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में कौन ये करता है कि ये एक तरीके से यकीन करता है कि ये मेरा बेनिफैक्टर हो सकता है जो कि मुझे मेरी हेल्प कर रहा है मुझे अच्छा बनाने में. हिज अंकल पैमल को क्या है स्टेलास केयर टेकर में शाविशैम द कन्विक्ट इन द मासेस जैगर, या है हिज सिस्टर मिसेस जो ग्रेगरी. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टेलास केयर टेकर में शाविशैम. शाविशैम कि व्यवहार से या एक तरीके से कह लो उसको लगता है उसके नेचर से उसको लगता है जो स्टार्ट उसके बारे में इतना केयरिंग हो जाती है वो उसको लगता है या वो अपने आप को कुछ बोस्ट ऑफ करती है कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रही हूँ या चीज़ें हैं. तो इससे लगता है कि पिप को कि मिसेस हैविशैम ही उसकी रियल बेनिफैक्टर हैं, ऐसा उसको शुरुआत में लगता है. 47 डैश बिलीव दैट ही और शी इज द कॉज ऑफ पिप्स गुड फॉर्च्यून. मिस हैविशैम या है मिस्टर जैगर मॉली या पैमल चुक. तो यहाँ पे है पैमल चुक बिलीव दैट ही इज द कॉज ऑफ पिप्स गुड फॉर्च्यून. उसका अंकल पिप का जो अंकल होता है वो ऐसा बिलीव करता है कि मैं ही गुड फॉर्च्यून जो पिप के साथ में अच्छा हो रहा है उसका रियल रीजन जो है वो मैं ही हूँ, मैं कारण ही हूँ उसको. अगला है क्वेश्चन 48 डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक ऑन मिसेस जो एंड ट्राइड टू किल पिप. जो ग्रेगरी या हर्बर्ट ऑर्लिक या बिडी. तो यहाँ पे है ऑर्लिक. Orlick is responsible for the attack on Mrs. Joe and tried to kill Pip. Mrs. Joe पे अटैक करता है, वो responsible होता है Orlick, और जो कोशिश करता है कि Pip को मैं मार दूँ, Pip का मर्डर कर दूँ, बट ऐसा नहीं होता है. अगला क्वेश्चन है 49 डैश इज पिप्स ब्रदर इन लॉ एट ही एक्ट्स एज पिप्स एक्चुअल फादर. बेमिक पैम्बलचूक या मिस्टर जैगर या है जो ग्रेगरी. तो ऑप्शन डी है, जो ग्रेगरी इज द आंसर. चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं. 50 पिप रिसीव्स अ नोटिफिकेशन फ्रॉम डैश दैट ही इज टू गो टू अंडर एंड दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ पिप ग्रेट एक्सपेक्टेशन. पिप को जो रिसीव नोटिफिकेशन होता है वो किससे नोटिफिकेशन रिसीव होता है, वो किससे होता है, मिस्टर जैगर से रिसीव होता है. तो यहाँ पे मिस्टर जैगर उसको बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है, लंदन जाना है, किस चीज के लिए, पढ़ाई करने के लिए. ओके तो ये डैश में हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, करेक्ट करेंगे. 51 व्हेन मिसेस जो इज अटैक व्हाट हैपेंड टू हर. उसके साथ में क्या होता है, सी कमिट सुसाइड, सी रन अवे एंड इज नेवर सीन अगेन, सी बिकम्स अ नाइसर एंड मोर केयरिंग वुमन, सी किल्स जो ग्रेगरी. तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, सी बिकम्स नाइसर एंड मोर केयरिंग वुमन. अगले क्वेश्चन को देखेंगे 52 इन व्हाट पब्लिकेशन वॉज ग्रेट एक्सपेक्टेशन ओरिजिनली सीरियलाइज्ड. अब यहाँ पे जो है कि जो किस पब्लिकेशन में ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है उसको सीरियल फॉर्म में पब्लिश करा गया था, उस पब्लिकेशन का नेम आपको बताना है. होम एंड अवे या है द इंग्लिश एल्मेनैक या है द सिंपल विजडम, ऑल द ईयर राउंड. तो ऑप्शन डी इज द आंसर, ऑल द ईयर राउंड इज द करेक्ट आंसर. ये इसमें इसको पब्लिश कराया गया था इस नॉवल को किसके फॉर्म में, सीरियल के फॉर्म में, मतलब इसके एक एक पार्ट को एक एक को वन बाय वन करके पब्लिश करा गया था. और वो कब पब्लिश करा गया था, 1859 में. ओके सीरियल के फॉर्म में 1859 से 61 के मिड तक इसको सीरियल के फॉर्म में 1860 से 1861 तक इसको सीरियल के फॉर्म में पब्लिश किया गया था. देखो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सबसे पहले 1860 से 1861 तक ये पब्लिश हुआ था, 1860 से 1861 तक. उसके बाद अगर बुक फॉर्म में हम बात करते हैं, देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, इन विच ईयर दिस वॉज पब्लिश इन बुक फॉर्म. बुक फॉर्म पब्लिश्ड कब हुआ था, 1861. ओके दिस इज द आंसर. 53 वी हैव हु इज पिप्स ट्यूटर इन लंदन. पिप का ट्यूटर लंदन में कौन था, हर्बर्ट हॉरल पॉकेट, वॉल्टर पॉकेट, हर्बर्ट पॉकेट या मैथ्यू पॉकेट. तो ऑप्शन डी है, मैथ्यू पॉकेट वॉज द ट्यूटर ऑफ पिप इन लंदन. एक क्वेश्चन है 54 व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैविशैम मैनोर. मैनोर जो होता है उनका महल बात कर लो या एक तरीके से जो उनका घर था
जहाँ पे वो रहा करती थी, मनोर उसको बोलते हैं, बड़ा सा एरिया होता है गांव में, या उसकी बात कर लो जो भवन उसको बोलते हैं मनोर, तो वो उसका सैटिस हाउस लॉक माउंट या लार्च माउंट या है सेटर हाउस, तो वो था क्या है नेम था उसका सैटिस हाउस, दैट इज सैटिस हाउस ऑप्शन ए इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस नॉवेल, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 54 के बाद 55 वी हैव द क्वेश्चन, हु इज द पेल यंग जेंटलमैन, हर्बर्ट, वेमेक, जैगर, स्टेप, टॉप, तो ऑप्शन ए है दैट इज हर्बर्ट, जो उसका रूममेट होता है, दैट इज पेल यंग जेंटलमैन। नेक्स्ट नंबर 56, इन विच ईयर ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज पब्लिश इन अ बुक फॉर्म, अभी हमने फिर से ये क्वेश्चन अभी आपसे मैंने डिस्कस करा था, तो इसके आंसर्स को यहाँ पे देखेंगे। अब चलिए इसमें से आप जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए, इन विच ईयर ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज पब्लिश इन बुक फॉर्म, तो वो हम आंसर है 1861, दैट इज ऑप्शन। और ये कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, 3 वॉल्यूम। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने ग्रेट एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड नॉवेल्स से डिस्कस करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे फिक्शन से रिलेटेड, जो हम फिक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, प्रोज से रिलेटेड हमारा यूनिट होगा नंबर 18 यूनिट, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो आपका सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है उसको डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल।